सभी शिक्षक बंधुओं को मेरा नमस्कार। स्वागत है हमारे चैनल यूट्यूब कोचिंग सेंटर पे। दोस्तों की जैसा कि डीबीटी में उपस्थिति पंजिका को पीडीएफ में कन्वर्ट करके अपलोड करना है, तो साइट जो है कल से वर्किंग नहीं है। साइट पे जो है वो ऑप्शन शो नहीं हो रहा है, तो काफ़ी शिक्षकों को प्रॉब्लम हो रही है अपलोड करने में। उसी के लिए एक नया वीडियो में लेके आया हूँ, जिसको आप अपने मोबाइल से बहुत ही इजी तरीके से और बहुत ही कम समय में कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि ऐसे ही नए नए वीडियोस आप तक पहुँचते रहें। तो दोस्तों, करना कुछ नहीं है, बस प्रेरणा डीबीटी एक ऐप है, ये देख रहे होंगे आप, प्रेरणा डीबीटी ऐप, जिसको आपको डाउनलोड करना है। हाँ दोस्तों, जब हम इस ऐप को डाउनलोड कर लेंगे, तो डाउनलोड करने का लिंक भी जो है मैं अपने वीडियो के नीचे दे दूंगा, उस लिंक से जाके आप इस ऐप को डाउनलोड कर लेंगे। तो जब हम इस ऐप को डाउनलोड कर लेंगे, तो इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद देखिए, प्रेरणा आधार डीबीटी, अब ये आ गया। आप देखिए, मांग रहा है ऊपर दिया हुआ है रजिस्टर और प्रेरणा आधार डीबीटी, और ये इंटर मोबाइल नंबर। तो जो भी मोबाइल नंबर है रजिस्टर्ड एमडीएम पे, उस मोबाइल नंबर को डालेंगे। ये नंबर हो गया, उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट करेंगे, तो उस नंबर पे जो है ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को हमें यहाँ मेंशन करना पड़ेगा। देखिए, ये ओटीपी हमने डाल दिया है। ओटीपी डालने के बाद अब ये यहाँ शो कर रहा है एंटर पिन, एंटर पिन, कंफर्म पिन। ये एक्चुअली इस ऐप के लिए है। जब आप यहाँ पिन डाल के इस ऐप को लॉगिन कर लेंगे, तो जब भी इस ऐप को आप ओपन करेंगे, तब हर बार ओटीपी नहीं मेंशन करना पड़ेगा। हर जब भी ओपन करेंगे, तो बस पिन डाल के इस ऐप को खोल लेंगे। तो पिन जो भी बनाना है आप बना लेंगे। चार डिजिट का रहेगा, ये पिन बना लिया हमने, ये रजिस्टर कर लिया। आप देखिए, अब ये हो गया रजिस्टर। अब देखिए, ये यहाँ एंटर पिन मांग रहा है, ना कि ओटीपी। जब एक बार ओटीपी डाल के हमने पिन बना लिया है, तो बस पिन डालना है हमें, और ये नॉट नाउ, ये लॉगिन होने के बाद देखिए पूरा दे रहा है, वेलकम टू अतुल राय डिस्ट्रिक्ट मऊ, स्कूल का नाम, डिजिग्नेशन और मोबाइल नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे हमने वो स्टूडेंट इनरोलमेंट जो है अपलोड करना है, तो हम इसको टच करेंगे। फिर से हमने स्टूडेंट इनरोलमेंट टच किया, और ये आ गया। सारी सूचना अपने विद्यालय के मार्च 2020-21 की छात्र पंजिका से मिलान करते हुए ही भरें। सेव ड्राफ्ट करने के उपरांत आप सारी सूचना को बदल सकते हैं, लेकिन फाइनल सेव उपरांत कोई भी बदलाव संभव नहीं है। जैसा कि सभी टीचर्स को बताया गया है कि भाई मार्च 2020-21 के डेटा के अकॉर्डिंग ही इसको मतलब पीडीएफ में कन्वर्ट करके अपलोड करना है, और फाइनल सेव करने से पहले, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, फाइनल सेव करने से पहले जरूर एक बार सारी चीज़ों को क्लियरली देख लें, क्योंकि फाइनल सेव होने के बाद उसमें कोई भी चेंजेस हम नहीं कर पाएंगे। चलिए ओके। अब ये देखिए, मऊ दोहरी घाट एरिया रूरल सेशन मानिकपुर विद्यालय का नाम हो गया। यहाँ कैटेगरी, तो कैटेगरी में आप डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन चूज करेंगे, क्योंकि बेसिक एजुकेशन इसमें नहीं दिया हुआ है कहीं भी, तो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। उसके बाद यहाँ पे आपके विद्यालय का जो भी यूडाइस कोड है, आप वो यहाँ डालेंगे।
टोटल इनरोलमेंट, टोटल संख्या कितनी है बच्चों की, वो आप यहाँ डाल लेंगे। उसके बाद क्लास वाइज, जैसा कि टोटल बॉयज, टोटल गर्ल्स क्लास फर्स्ट में, और टोटल संख्या जो भी है वो डाल लेंगे। मान लीजिए टोटल संख्या फर्स्ट में बॉयज की 8 हो गई, गर्ल्स की 9 हो गई, तो ये टोटल 17। ऐसे ही इन सबको फिल कर लेंगे क्लास 5 तक। उसके बाद आप इस पर क्लिक करेंगे, ये हो गया ओनली चूज पीडीएफ फाइल मैक्सिमम साइज 5 MB। जो भी पीडीएफ उसका कन्वर्ट किए हैं रजिस्टर का अटेंडेंस रजिस्टर का, वो 5 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये प्रमाणित करते हुए ये। तो यहाँ से अटैच पे आ गए। उसके बाद जहाँ भी वो पीडीएफ सेव कर रखा है फाइल मैनेजर में, फोटोज़ में, या तो पीडीएफ है तो फोटोज़ में नहीं जाएगा, तो वहाँ आप जाएंगे और ये जैसे ये मेरा पीडीएफ है इसको ऐसे सिलेक्ट कर लें, देखिए यहाँ दिखा रहा है सिलेक्ट हो गया है, ठीक है। और उसके बाद इसको फाइनल सेव कर देंगे, फाइनल सेव कर देंगे तब ये जो डेटा है आपका ईजिली अपलोड हो जाएगा और कुछ नहीं करना है। तो धन्यवाद, वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि सभी अध्यापकों तक पहुंचे और सभी अध्यापक इसको जल्द से जल्द कर लें, क्योंकि इसकी डेडलाइन है। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।